हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल वर्ड्स टच चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन के तीसरे नियम के बारे में, यानी जिसे हम न्यूटन्स थर्ड लॉ कहते हैं। न्यूटन के गति के नियम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले तीन सबसे अहम नियम हैं। न्यूटन लॉ किसी वस्तु पर लगने वाले बल और उस बल के कारण वस्तु की गति में हुए परिवर्तन के बीच संबंध बताता है। अगर आपको न्यूटन के पहले और दूसरे नियम के बारे में जानना है तो मैंने उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हो। तो चलिए अब हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। न्यूटन के तीसरे नियम का मतलब है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यानी जो न्यूटन का तीसरा नियम है वो क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। अब जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है कि इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इसका मतलब है कि जितनी ज़्यादा फोर्स आप लगाओगे आपको उतनी ही ज़्यादा फोर्स महसूस होगी। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति दीवार को पुश करने की कोशिश कर रहा है। अब जो व्यक्ति उस दीवार को पुश करने की कोशिश कर रहा होगा उसको उतनी ही फोर्स वापस लग रही होगी। जितनी ज़्यादा फोर्स वह व्यक्ति अपने हाथों से दीवार को पुश करने में लगाएगा उसको उतना ही ज़्यादा बल उसके हाथों में विपरीत दिशा में पड़ेगा। इसे कहते हैं कि टू एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। न्यूटन का तीसरा नियम यह बताता है कि अगर कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगा रही होती है उसी वक्त जो दूसरी बॉडी होगी वह भी सिमिलर फोर्स और ऑपोजिट फोर्स लगा रही होगी पहली बॉडी पर। जो पहली बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगा रही होगी उसे हम कहेंगे एक्शन, और उसी वक्त जो दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर फोर्स लगा रही होगी उसे कहेंगे हम रिएक्शन। आपको यह बात हमेशा याद रखनी है कि एक्शन और रिएक्शन यह सिर्फ फोर्स है। इसी प्रकार से न्यूटन्स के थर्ड लॉ की डेफिनेशन बनी थी जो है टू एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन यह दोनों फोर्सेस हैं जो साइमल्टेनियसली एक्ट करती हैं। दोस्तों, अभी हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो है एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन ए डिफरेंट बॉडी। इसका दोस्तों मतलब है कि जो एक्शन और रिएक्शन है वह टू डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि कोई बॉक्स जमीन पर पड़ा हुआ है। जो ग्राउंड पर बॉक्स पड़ा हुआ है उस बॉक्स को ग्राउंड की फोर्स भी अपनी तरफ खींच रही है। अब जो ग्राउंड की फोर्स बॉक्स को खींच रही होगी वह इक्वल होगी बॉक्स के ऊपर की फोर्स से, यानी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड की फोर्स इक्वल होगी। जो ग्राउंड वाली फोर्स होगी उसे एक्शन कहेंगे और जो अपवर्ड वाली फोर्स होगी उसे रिएक्शन कहेंगे। अब यह कंडीशन हो गई है जो बॉक्स से वह इक्विलिब्रियम स्टेट में पड़ा हुआ है। दो फोर्सेस बॉक्स पर लग रही हैं, ना तो बॉक्स को ऊपर जाने दे रही है ना तो बॉक्स को नीचे जाने दे रही है, वह सिंपली एक स्टेशनरी स्टेट में पड़ा हुआ है। तो यही एक कंसेप्ट था एक्शन एंड रिएक्शन जो कि वर्क करता है ऑन द टू डिफरेंट बॉडीज। तो अभी हम दोस्तों न्यूटन्स के
तीसरे नियम को कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। अब जैसे कि हम सभी इंसान ग्राउंड पर चलते हैं, जब हम अपना पैर ग्राउंड पर पुश करते हैं, इसके बाद जो ग्राउंड है वह हमारे पैर को पुश करता है फॉरवर्ड की तरफ। जो फोर्स ग्राउंड पर लगी है उसे हम एक्शन कहेंगे, और जो फोर्स हमारे पैर पर लगी है उसे हम रिएक्शन कहेंगे। जो फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पैर पर लगा था जिसके ज़रिए हम चल सकते हैं ग्राउंड के ऊपर। आपको मैं एक बात बता दूं कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, परंतु एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस इक्वल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाती। वो इसलिए है क्योंकि जो बॉडीज एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस अप्लाई कर रही होती हैं उनका मास काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। अगर मास डिफरेंट होगा तो वह एक्सेलरेशन इक्वल प्रोड्यूस नहीं कर सकती। जिस बॉडी का एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा उस बॉडी का मास कम होगा। इसी प्रकार से जिस बॉडी का एक्सेलरेशन कम होगा उस बॉडी का मास हमेशा ज़्यादा होगा। तो अभी हम एक और एग्जांपल समझते हैं। जब किसी बंदूक से गोली बाहर निकलती है, जो फोर्स है वह गोली को फॉरवर्ड की तरफ सेंड करती है। जब गोली फॉरवर्ड की तरफ सेंड हुई थी तब आपने कई बार देखा होगा कि जो बंदूक है वह थोड़ी सी बैकवर्ड पुश होती है। अब जो बंदूक है उसका मास काफ़ी ज़्यादा है इसलिए वह थोड़ी सी बैकवर्ड पुश हुई। इसी प्रकार से दोस्तों जो जेट एरोप्लेन्स होते हैं वो भी प्रिंसिपल फॉलो करते हैं एक्शन और रिएक्शन का। जब एयरक्राफ्ट ऊपर की ओर उड़ता है तो जो गैसेस होती हैं वह पीछे से एयरक्राफ्ट से निकलती हैं और उस एयरक्राफ्ट को एक पुश मिलता है ताकि वह ऊपर की ओर जा सके। अब आपने कई बार देखा होगा कि जो किश्ती होती है जब आप उस किश्ती पर खड़े हों और जब आप किश्ती से उतरने की कोशिश कर रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि जब आप किश्ती से उतर रहे हो तो जो किश्ती है वो पीछे की तरफ थोड़ी सी पुश हो जाती है। जहाँ पर भी दोस्तों एक्शन और रिएक्शन का कंसेप्ट आता है, जो फोर्स किश्ती पर लगी वो तो एक्शन होगी और जो फोर्स व्यक्ति पर लगी वो रिएक्शन हो गई। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने न्यूटन्स के तीसरे नियम के बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो अभी आपको न्यूटन्स के पहले और दूसरे नियम के बारे में जानकारी को प्राप्त करना है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।